गुड मॉर्निंग, नून, इवनिंग। वी आर डूइंग करंट चैलेंजेस द इंडियन इकॉनमी इज फेसिंग। इंडिया की इकॉनमी में क्या चैलेंजेस हैं जो इंडियंस, इंडिया की गवर्नमेंट फेस कर रही है। हमने पढ़ी थी पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, और दो चैलेंजेस हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट मींस ग्रोथ हो रही है पर एनवायरनमेंट बहुत डिग्रेड कर रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सो लेट्स मूव टू द करंट चैलेंज इंडियन इकॉनमी इज फेसिंग, अनएम्प्लॉयमेंट। उसको समझने के लिए हमें पहले एम्प्लॉयमेंट भी समझना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज समथिंग, जो चीज़ नहीं है। तो फर्स्ट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, हु वर्क्स, हु डज नॉट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, पार्टिसिपेशन रेट, एंड देन विल मूव टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पेज नंबर 101, पेज 101, आफ्टर पेज 100 देर इज अ सम प्रॉब्लम इन पेज नंबर, आई होप यू अंडरस्टैंड। 98 के बाद इट शुड बी 99। Employment and unemployment in India. First is employment. कुछ binding problem है मेरी book में, I have no idea आपके भी binding problem है कि नहीं, दो pages आगे पीछे लगे हुए हैं। चलिए, what is employment? एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब कोई पर्सन काम करता है जीने के लिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपसे फीस ले रहा हूं, मैं एम्प्लॉयड हूं। मेरे मामा, वी हैव अ जॉइंट फैमिली, मेरे मामा, मेरे वाइफ, मेरे चाची जी, अराउंड 10 to 12 आवर्स डेली बेसिस पे किचन में काम करते हैं। Still, we have maids and all, still, there is some work. But they are not employed. We cannot say they are employed. In economics, that is another thing, they are working harder than us. But employment ka matlab hai ki aap ko economic activity kar rahe hain jeene ke liye. So, employment means an activity which helps an individual, please underline, to earn his living. और हर लिविंग। एम्प्लॉयमेंट दो तरह की रहती है, द फर्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अदर इज वेज एम्प्लॉयमेंट। द फर्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अदर इज वेज एम्प्लॉयमेंट। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, एक रिसेप्शन पे मैम बैठे हुए हैं जिन्हें मैं सैलरी देता हूं, वो वेज एम्प्लॉयड पर्सन है। आपके स्कूल के टीचर्स वेज एम्प्लॉयमेंट में हैं, आपके डैड अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपके मामा अगर घर पे ट्यूशंस दे रहे हैं और पेमेंट चार्ज कर रहे हैं, या फिर मेकअप आर्टिस्ट हैं या नेल आर्टिस्ट हैं, तो उस केस के अंदर वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। बट वो ही पर्सन अगर कहीं पे जॉब करेगा, उसे सैलरी मिलेगी, वो हायर्ड वर्कर है। सो व्हाट आर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स? द वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रहा हूं, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूं, और आपको पढ़ा रहा हूं जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए, दिस इज माय एम्प्लॉयमेंट।
hired workers, those people who are hired by others and are paid wages or salaries as a reward for their services are called hired workers. Hired workers can be of two types. रिसेप्शन पे जो मैम काम कर रहे हैं, फ़ोन पिक करते हैं, फीस लेते हैं, मेरे को कॉल्स के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, वो हैं हायर्ड वर्कर. दो तरह के हायर्ड वर्कर होते हैं, वन इज कैजुअल, अदर इज रेगुलर. व्हाट इज कैजुअल? कैजुअल होते हैं जब काम है कर लिया, जब नहीं है नहीं किया, कभी 6 घंटे कभी 12 घंटे, कोई इंश्योरेंस नहीं है, प्रोविडेंट फंड में पैसे नहीं जाते. व्हाट आर रेगुलर? जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करते हैं, सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक काम करना है, आपके प्रोविडेंट फंड में पैसे जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, संडे ऑफ रहेगा, संडे को अगर काम कर रहे हैं तो डबल सैलरी मिलेगी पर डे के हिसाब से, अर्नड लीव्स होंगी, मैटरनिटी लीव्स होंगी, ये होते हैं रेगुलर सैलरी वर्कर्स. कई स्कूल में टीचर्स परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्परेरी एडहॉक पे होते हैं. जो टीचर्स एडहॉक पे होते हैं वो कैजुअल होते हैं और जो सैलरीड होते हैं वो रेगुलर रहते हैं. दोज पीपल हु आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स ऑन अ परमानेंट बेसिस और रेगुलर बेसिस and do not get social security benefits are said to be casual wage workers, like construction workers. दिहाड़ी पे जो काम करते हैं, regular salaried workers. A worker engaged by someone or an enterprise and are paid his or her wages on regular basis is known as regular salaried employee or regular workers like teachers, CAs, etc. अब हम बताने जा रहे हैं कि ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और हायर्ड वर्कर्स हैं, दैट इज वो ज्योग्राफिकल बेसिस पे कैसे डिवाइड किए गए. हम डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रीजन एंड जेंडर. सबसे पहले रीजन, 43% आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड 57% आर हायर्ड इन अर्बन एरियाज. इंडिया के अंदर जो अर्बन एरियाज हैं लाइक दिल्ली, गुड़गांव, लुधियाना, इसमें जो वर्कर्स हैं वो हायर्ड ज़्यादा हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कम है, क्योंकि मुंबई, दिल्ली के अंदर कंपनीज आ चुकी हैं तो वो सैलरी दे के काम लेती हैं. बट अर्बन रूरल एरियाज में पिक्चर डिफरेंट है. रूरल एरियाज के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर ज्यादा हैं. 56% ऑफ वर्कर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड 44% आर हायर्ड. रीजन, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है तो लोग अपने आप काम ढूंढ के करते हैं. सेकेंड पॉइंट के ब्रैकेट में लिखिए less employment opportunities in rural areas, less employment opportunities in rural areas. नेक्स्ट पेज पे इन्होंने पाई चार्ट बनाया हुआ है, आप उसे स्टडी कर सकते हैं क्यों ऐसा होता है. लेट्स सी. The above chart shows that self-employed and casual wage laborers are found more in rural areas as in urban areas. Why? It is because in urban areas people are skilled, underline skilled, and work for jobs in offices and factories, but in rural areas people work on their own farms. The basic difference is skill. In urban areas more knowledge, more education, more skill, hired workers, less risk. In rural areas, less education, less knowledge, less skill, less opportunities, and hence more self-employment. According to gender,
51% of male workers are self-employed, 49% of male workers are hired, 56 are self-employed and 44 are hired. इससे हमें ये पता लगता है कि male के cases में तो almost same है. If you are a boy, there are 50% chances कि आप अपना काम करेंगे and 50% chances कि आप किसी के under काम करेंगे. But if you are a girl, the more chances are अपना काम कर रहे हैं और किसी के अंडर नहीं, because फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं. लाइक एक एम्प्लॉयर अगर फीमेल को जॉब देता है तो उसे पता है कि उसको मैरिज हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी रिक्रूटमेंट की, बेबी हो जाएगा तो फिर हमें मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी, जिस वजह से जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो रिलक्टेंट होते हैं फीमेल स्टाफ को रखने के लिए, एक्सेप्ट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्रीज एंड ऑल इंडस्ट्रीज, होटल इंडस्ट्री. द अबव चार्ट शोज दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर्ड एम्प्लॉयमेंट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर मेल वर्कर्स, बट फॉर फीमेल वर्कर्स गिव प्रेफरेंस टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देन टू हायर एम्प्लॉयमेंट. It is because women both in rural and urban are underlying less mobile. Mobile means can shift. Women's के लिए shifting थोड़ी difficulty होती है अलग अलग जगह पर काम करना. And thus prefer to engage themselves in self-employment. So it can be concluded that self-employment is very important source of livelihood for people in India. Please underline self-employment. आधे boys और ऑलमोस्ट आधी गर्ल्स जो जॉब कर काम करती हैं पैसा कमाती हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने बेसिस पर पैसा कमाती हैं. सो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा जीडीपी का फैक्टर है दैट इज इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स. अब एम्प्लॉयमेंट को पढ़ने के लिए हम पांच पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं चैप्टर. द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैन बी एडजस्ट कैटेगराइज्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. वन, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज पार्टिसिपेशन रेट? जो लोग पढ़े लिखे हैं काम कर सकते हैं और उनमें से कितने काम कर रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं स्पेशली फीमेल्स, उनका पार्टिसिपेशन रेट कम है, और कई मेल्स भी हैं काम कर सकते हैं, काम अवेलेबल है बट वो काम कर नहीं रहे, पार्टिसिपेशन रेट, और उन्हें काम मिल नहीं रहा. टू, एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. इंडिया के अंदर कौन सा सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज और फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टीचिंग, एक्टिंग, डांसिंग और एनी अदर सर्विसेज. थर्ड, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. लोग वर्कर्स कैजुअल हो रहे हैं आने वाले टाइम पे. पहले 8 घंटे की जॉब होती थी, काम करते थे, बट अब कैजुअल वर्कफोर्स बढ़ रही है. दैट मीन्स काम होता है तो करते हैं, नहीं होता है तो नहीं करते, 6 घंटे 12 घंटे डिपेंड्स. फोर्थ, प्लीज मार्क स्टार द करंट चैलेंज ऑफ इंडिया. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जॉबलेस ग्रोथ. व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इंडिया जितना मर्जी ग्रो करे फिर भी कुछ लोग, चंक ऑफ पीपल हैं जिन्हें जॉब नहीं मिलेगी और नहीं मिलती. जॉबलेस ग्रोथ मीन्स इंडिया इज ग्रोइंग, इंडियंस आर नॉट. इंडिया पैसा कमा रहे, इंडियंस पैसे नहीं कमा रहे. इंडिया काम कर रहे, इंडियंस बेरोजगार हैं. जॉबलेस ग्रोथ. फिफ्थ, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स. इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स ज़्यादा काम कर रही है आज के टाइम पे, फॉर्मल सेक्टर से, ऑर्गेनाइज सेक्टर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे वर्कफोर्स मूव कर रही है. We'll be studying all the 5 points one by one. Taking first, rate of participation of people in employment.
What is participation rate? It refers to the participation of people in production activity. It is measured as a ratio of, please underline, workforce to total population. कितने लोग काम कर सकते हैं डिवाइडेड बाय लोग कितने हैं. इनमें से कई लोग हैं जो काम कर ही नहीं सकते, जैसे 14 साल से छोटा बच्चा, 65 से बड़े लोग, पॉपुलेशन में तो सब आ जाते हैं. और स्पेशली एबल्ड पर्सन्स जो व्हीलचेयर पर हैं या मेंटली एबल नहीं है, लुनेटिक्स, इडियट्स. इडियट हम बोल देते हैं बट इडियट्स इज अ मेंटल स्टेट. टोटल नंबर ऑफ वर्कर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100. इससे हमें ये पता लगता है कि कितने लोग काम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोडक्शन में. जस्ट फॉर योर नॉलेज, इकोनॉमिक्स में जापान को एक ओल्ड कंट्री कहा जाता है और इंडिया को एक यूथ कंट्री कहा जाता है, क्योंकि जापान का पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है, वहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन बूढ़ी है. आज से 30-40 साल पहले उन्होंने पॉपुलेशन मींस मैरिड पर्सन्स ने पॉपुलेशन को इंक्रीज करना बंद कर दिया था. दैट इज देयर ओन डिसीजन. वहां पे लोगों ने शादी करनी बंद कर दी थी. जो प्रॉब्लम अब आ रही है वहां पर, क्योंकि वहां पे लोग काम करने के लिए नहीं है, काम है बट जनता बूढ़ी है. इंडिया को यूथ कंट्री कहा जाता है क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी लोग काम करने वाले हैं. क्योंकि 1930s, 40s, 50s में बूम आया था पॉपुलेशन में और वो लोग अब काम कर रहे हैं. वो पीरियड पॉपुलेशन बूम में था. द डेटा ऑन द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज आर दिस. ये आपका टेबल गिवन है. इस टेबल से हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि पार्टिसिपेशन रेट मेन की 54.6 है और वुमेन की 22.8 है. टोटल 100 आना जरूरी नहीं है, देर आर ट्रांसजेंडर्स ऑल्सो. एंड इस टेबल से हमें यह पता लगता है कि जो वुमेन की पार्टिसिपेशन रेट है वो काफी कम है. लेट्स मूव टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. जनरली वी डिवाइड ऑल द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड इकोनॉमी इनटू 3 डिफरेंट सेक्टर्स विच आर एज फॉलोज. प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, माइनिंग, क्वारिंग एक्सेट्रा. The secondary sector includes construction, water, gas supply, electricity, manufacturing. And tertiary includes the trade, transport, storage and all the services. In the course of economic development of a country, labor flows from primary sector to secondary and then tertiary sector. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की जो लेबर वर्क फोर्स है, जो लोग काम करने वाले हैं, वो प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर की तरफ मूव किए हैं और अब टर्शरी सेक्टर सॉरी सेकेंडरी सेक्टर पे मूव किए हैं और अब सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर पे मूव कर रहे हैं. इन दिस प्रोसेस अंडरलाइन वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. क्योंकि प्राइमरी सेक्टर रूरल एरियाज में था, वो मूव किए मैन्युफैक्चरिंग में, जो अर्बन एरिया की तरफ मूव किया और अब सर्विस सेक्टर, गेटिंग इनटू द हब ऑफ अर्बन एरियाज. प्लीज चेक, पार्टिसिपेशन रेट प्राइमरी सेक्टर में कम हो गया है, सेकेंडरी सेक्टर में इंक्रीज की है, टर्शरी में भी इंक्रीज की है इन दिस 30 इयर्स. और अब एग्जैक्ट डेटा अगले साल आ जाएगा 2021 में, जब सेंसस रहेगी, कंप्यूट होगी. द अबव टेबल रिवील्स दैट इन 1972 टू 73 अबाउट 75% ऑफ वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर
and this proportion has declined to 50%. Secondary and tertiary sector are showing the underlying promising future. Promising future, अच्छा future नज़र आ रहा है क्योंकि agriculture से लोग यहाँ shift कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो वहाँ पे लगता था काम कर रहे हैं but disguised unemployed थे, काम करते नहीं थे. Also the shift of workforce from primary to secondary and tertiary sector shows substantial shift from farm work to underlying non-farm work. Farm work से वो non-farm work की तरफ shift कर रहे हैं. Next, casualization of workers. The movement of labor from regular salaried workers to casual wage worker is known as the process of casualization of workforce. See, अभी तो मैं बस concepts करवा रहा हूँ. हर concept में से कैसे different different questions बन के आएंगे वो तो आपको पता ही है, बहुत है जो हमने आगे करने. जो लेबर सैलरीड वर्कर से कैजुअल वेज की तरफ शिफ्ट करती है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स वर्कफोर्स. कंसीडर द टेबल गिवन बिलो विच शोज द स्टेटस वाइज ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न. प्लीज चेक द टेबल शेड्यूल. सेल्फ एम्प्लॉयड 61 से 52 में अभी भी आधे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टिल पहले से कम हुए. रेगुलर सैलरीड पर्सन बड़े हैं और कैजुअल वर्कफोर्स काफ़ी इंक्रीज की है 7% के आसपास. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस इंडिकेट्स दैट ओवर द लास्ट 4 decades पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट एंड कैजुअल वर्क, implying that casualization is picking up. Please underline, casualization is picking up. India में casualization pick up कर रही है. अब ये अच्छा है या बुरा ये तो तब पता लगेगा जब इसके results आएंगे बाहर. Yet self-employment continues to be the major employment provider. Next, jobless growth, the most challenging problem India is having. It is a phenomenon which means the GDP of the country is rising but without generating employment. ये एक ऐसी activity है, basically India में ही ऐसी activity नज़र आ रही है कि country की GDP तो बढ़ रही है but लोगों के काम कम हो रहे हैं. आप देख सकते हैं जो ऊपर लाइन है वो शो कर रही है जीडीपी 3.6% से 3.9% से 5.8% से. 91 में तो 3.4 था जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, इंडिया बहुत नीचे जा रहा था. इस टाइम 6.1% और इंडिया कुछ 8% तक भी टच कर चुका है जीडीपी ग्रोथ. इस साल उम्मीद है कि 4.5% जीडीपी ग्रोथ होगी. कंट्रीज की तो नेगेटिव में भी जाती है, मींस इट्स अ गुड साइन. 4% तक इट इज गुड, 6% नाइस. आफ्टर इट्स लाइक इफ 8% इज ग्रोथ दैट इज द कंट्री इज डेवलप्ड ऑलमोस्ट. बट अगर आप नीचे ध्यान देंगे डॉटेड लाइन पे तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट कुछ ज्यादा नहीं है और 2005 का डेटा तो यहाँ पे शो भी नहीं हो रहा है. 2005 से 2020 तक कितनी अनएम्प्लॉयमेंट आई है इंडिया में, ध्यान देना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ. 2005 के बाद तो डेटा भी गिवन नहीं है बुक में. 2005 से 2020 तक इतनी अनएम्प्लॉयमेंट आई है कि डेटा इकट्ठा ही करना बंद कर दिया है, या डेटा इकट्ठा करते हैं आपको शो करना बंद कर दिया है. बिकॉज ये एक गवर्नमेंट के ऊपर साइन आता है कि हमारी जॉब्स कहाँ जा रही है, तो गवर्नमेंट ने वो डेटा शो करना बंद कर दिया. द डेटा इज नॉट अवेलेबल कि कितने लोगों की जॉब गई है पिछले 5-6 सालों में. द चार्ट गिवन अबव, ये जो मैं डायग्राम्स दिखा रहा हूँ, ये जो मैं टेबल दिखा रहा हूँ पेपर में, ये टेबल बन के आ सकता है, ये डायग्राम बन के आ सकता है. उस डायग्राम के हिसाब से आपको आंसर लिखने हैं, वो टेबल के हिसाब से आपको आंसर लिखने हैं.
तो दैट इज़ वाई वो चार्ट की एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है. द चार्ट गिवन अबव पॉइंट्स आउट दैट इन द लेट 1990s एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड रीच टू द लेवल ऑफ ग्रोथ दैट इंडिया इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग. आप देख सकते हैं 2000 के आसपास उतनी ही इंप्लॉयमेंट हो गई थी जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे थी. ड्यूरिंग दिस ईयर्स देयर इज अ वाइडनिंग गैप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट. दिस मीन्स दैट इंडियन इकोनॉमी विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज. इसका मतलब ये है, प्लीज अंडरलाइन, इंडियन इकोनॉमी विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज. इंडिया के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है पर कम लोगों के साथ. इस लाइन का ये मतलब है कि द पर्सन्स आर वर्किंग मोर हार्ड एंड हार्डर, दे प्रोड्यूस मोर, दे अर्न मोर, बट द न्यू पर्सन्स कैन नॉट कम एंड गेट द जॉब. इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग द फिनोमिनन नोन एज अंडरलाइन जॉबलेस ग्रोथ. इकोनॉमिक्स में इसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं. अब मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो अच्छा, इंडिया तो कमा रहा है, गवर्नमेंट को क्या लेना है, पॉलिटिशियंस को क्या लेना है, क्योंकि इंडिया तो कमा रहा है. माइक्रो लेवल पे देखा जाए तो ये पैराडॉक्स है, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं पर जॉब नहीं मिल रही. द नेक्स्ट इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स. इसको समझने के लिए पहले हमें फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर की पूरी डिटेल्स चाहिए. फॉर्मल सेक्टर वो होता है, जैसे आपको बताया था, जिसके अंदर मेटर्निटी लीव, सिक लीव, संडे 8 घंटे के बाद ओवर टाइम, 8.5 घंटे के बाद ओवर टाइम, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब पे होते हैं. और इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसमें ये सब पे नहीं होते. जैसे अगर आप बॉर्न ब्रेड की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं. आप रेडिसन होटल में काम कर रहे हैं तो आप फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं. और पार्क प्लाजा में मैनेजर हैं तो आप फॉर्मल सेक्टर में हैं. उसी तरीके से अगर आप किसी 3-स्टार होटल में काम कर रहे हैं तो आप इनफॉर्मल सेक्टर में हैं. अगर आप किसी प्राइमरी स्कूल में काम कर रहे हैं तो आप इनफॉर्मल सेक्टर में हैं. अगर आप, जैसे कि मैंने रिसेप्शन पे मैम रखे हुए हैं, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में है. इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इंप्लाइज दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर. इंडिया के अंदर लोग जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर में अब ज्यादा, और फॉर्मल सेक्टर में परसेंटेज कम हो रही है. एंड कॉरेस्पॉन्डिंग राइज इन द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर. द एक्सप्लेनेशंस ऑफ फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर आर गिवन बिलो. नंबर 1, फॉर्मल सेक्टर. ऑल द पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स. पब्लिक सेक्टर का क्या? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो सारी फॉर्मल सेक्टर के अंडर आती हैं. इसीलिए तो लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, या फिर प्राइवेट के अंदर फॉर्मल सेक्टर में जॉब लग जाए तो सिक्योर है. एंड दोज प्राइवेट सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉय 10 or more हायर्ड वर्कर्स आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट्स. सो सभी गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट्स और सभी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं. दोज हु वर्क इन एस्टेब्लिशमेंट, दिस एस्टेब्लिशमेंट आर नोन एज फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, और वो वर्कर्स होंगे फॉर्मल सेक्टर. द गवर्नमेंट एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दिस सेक्टर. लेबर लॉज आर पास्ड विच हेल्प द एम्प्लॉयज इन दिस सेक्टर टू सेफगार्ड देयर राइट्स. कि अगर एक वुमेन है आपके अंडर काम कर रही है, आप 8 बजे के बाद उसको जॉब पे नहीं बुला सकते. अगर एक मैरिड वुमेन ने बेबी को बर्थ दिया है तो उसको इतने हफ्तों की मैटरनिटी लीव मिलेगी और सैलरी नहीं कटेगी. ये सब फॉर्मल सेक्टर होते हैं. ऑल्सो दोज हु आर इन वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर इंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड दे अर्न मोर देन द वर्कर्स वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर. The workers working in this sector are aware of their rights and form trade unions which represent them in meetings
एंड एम्प्लॉयर्स एंड ऑल्सो हेल्प इन मैनी वेज. वहाँ के वर्कर्स को पता होता है कि उनके क्या राइट्स हैं. दे गेट प्रॉपर सैलरी विद फुल राइट्स एंड द गवर्नमेंट इज देयर एंड ट्रेड यूनियंस आर देयर जो बेसिकली मीटिंग्स करती रहती हैं. एंड नाउ वी हैव इनफॉर्मल सेक्टर एग्जैक्टली इनवर्स टू दिस. All other enterprises and workers working in those enterprises form the informal sector. Means कोई भी इससे ये समझ आता है कि कोई भी public undertaking informal नहीं है. वो private undertaking informal है जहाँ पे 10 से कम single digit worker काम कर रही है. अब commerce villa में अगर 12 teachers काम कर रहे हैं, ध्यान देना जो मैं explain कर रहा हूँ, कॉमर्स विला में 12 टीचर्स वर्क कर रहे हैं, अगर मैं अपनी अकाउंटिंग बुक्स में शो कर दूं कि 12 वर्कर्स हैं तो सब पे लेबर लॉ बन जाएगा, मुझे सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. मैं अपनी बुक्स में 12 टीचर शो ही नहीं करता, मैं अपनी बुक्स में 9 टीचर्स या 8 टीचर शो करता हूं. मैं अपने आप को इनफॉर्मल सेक्टर में शो करना चाहता हूं ताकि मैं अपने हिसाब से काम करूं, ना कि किसी लॉस के हिसाब से काम करूं. ये मैं नहीं हूं, मेरे जैसे बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स होते हैं. इसी वजह से इंडिया के अंदर इनफॉर्मलाइजेशन इंक्रीज कर रही है. इनफॉर्मल सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड मिलियन ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ऑनर्स ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, स्मॉल शॉप्स, पीपल वर्किंग इज सेल्फ एम्प्लॉयड इन दिस स्मॉल एंटरप्राइजेस विच डू नॉट हैव एनी हायर्ड वर्कर्स. सिंगल सिंगल पर्सन जो फ्री लांसर्स होते हैं, फ्री लांसर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं क्योंकि वो अपने आप के लिए ही काम करते हैं. यू नो हु आर फ्रीलांसर्स. वर्कर्स एंड एंटरप्राइजेस इन द इनफॉर्मल सेक्टर डू नॉट गेट रेगुलर इनकम. दे डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. वर्कर्स आर डिसमिस्ड विदाउट एनी कंपेंसेशन. अब 2 महीने लॉकडाउन रहा, कोई काम नहीं हुआ, कितने लोगों को सैलरी नहीं मिली. जिनको सैलरी नहीं मिली वो थे इनफॉर्मल सेक्टर के अंडर, और जिनको सैलरी मिली है वो थे फॉर्मल सेक्टर के अंडर. विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, प्लीज अंडरलाइन 1991, एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रैकेट में एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, many workers were dismissed from the formal sector and were forced to take the jobs in the informal sector. उस टाइम तो इकॉनमी में चेंजेस आए थे तो उन्हें डिसमिस कर दिया गया, सैलरी देके डिसमिस कर दिया क्योंकि बिजनेस ही बहुत बंद हो गए थे उस टाइम. एंड वर फोर्स्ड टू टेक अप जॉब्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर लीडिंग टू अ कंसिडरेबल राइज इन द रेट ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन. और तब से इनफॉर्मलाइजेशन इंडिया में बढ़ रही है. However, since the workers of the informal sector face many uncertainties and hardships, therefore on the recommendation of ILO, International Labour Organization, the Indian government has initiated the process of modernizing this sector. Ab informal sector ko thoda modernize kiya ja raha hai. Yes. Is sector ko modernize kiya ja raha hai. Taki labors ko exploit na kiya jaye. Bracket mein likh lijiye. So that, bracket में लिख लीजिए, so that the exploitation of workers can be avoided. Exploitation of workers can be avoided. आगे move कर रही हैं. इनफॉर्मलाइजेशन इन अहमदाबाद. अहमदाबाद में इनफॉर्मलाइजेशन ये केस स्टडी है. अहमदाबाद इज अ प्रॉस्पेरियस सिटी, अ वेरी गुड स्मार्ट सिटी विद इट्स वेल्थ बेस्ड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ मोर देन 60 टेक्सटाइल मिल्स विद अ लेबर फोर्स ऑफ 1,50,000 वर्कर्स एम्प्लॉयड इन देम. 1.5 लाख वर्कर 60 मिल्स में अहमदाबाद में काम कर रहे हैं. I guess it's in Gujarat. Over the course of century, these workers had acquired a certain degree of income security. अब उनको पता है कि पैसे आएंगे, secure है income.
पैसे आ रहे हैं, काम चल रहे हैं, एक गारंटीड इनकम हो चुकी है उनकी. दे हैड सिक्योर जॉब्स विद अ लिविंग वेज एंड दे वर कवर्ड बाय सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोटेक्टिंग देयर हेल्थ एंड ओल्ड एज. व्हाट आर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स? रिटायरमेंट पेंशन, ओल्ड एज पेंशन. रिटायरमेंट पेंशन में पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन में पैसे इकट्ठे हो रहे हैं कि जब वो बूढ़े होंगे तो उन्हें पैसे वापस मिल जाएंगे जो उन्होंने जोड़ के रखे हुए हैं. दैट इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. दे हैड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन विच रिप्रेजेंटेड देम नॉट ओनली इन डिस्प्यूट्स बट ऑल्सो इन एक्टिविटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज. बहुत अच्छी ट्रेड यूनियन बनी हुई है. इलेक्शंस होते हैं, ट्रेड यूनियन को कोई वर्कर रिप्रेजेंट करता है, लेबर लॉज फॉलो होते हैं. इन द अर्ली 1980s, टेक्सटाइल मिल्स ऑल ओवर द कंट्री बिगेन टू क्लोज डाउन, शट डाउन. इन सम प्लेसेस सच एज मुंबई द मिल्स क्लोज्ड रैपिडली. इन अहमदाबाद द प्रोसेस ऑफ क्लोजर वॉज लॉन्ग ड्रॉन आउट ऑफ स्प्रेड ऑफ 10 years. अहमदाबाद में जो मिल्स बंद हुई 10 साल लगे आराम से मिल्स को बंद किया गया. रीजन, ट्रेड यूनियंस थी. जब मिल्स बंद होंगी, एसेट्स को बेचा जाएगा तो वर्कर्स को सैलरी भी तो मिलेगी. ओवर दिस पीरियड अप्रॉक्सीमेटली ओवर 80,000 परमानेंट वर्कर्स एंड ओवर 50,000 नॉन परमानेंट वर्कर्स लॉस देयर जॉब एंड वर ड्रिवन टू द इनफॉर्मल सेक्टर. द सिटी एक्सपीरियंस्ड एन अंडरलाइन इकोनॉमिक रिसेशन. वॉट इज रिसेशन? When everyone is earning less, what is recession? जब कमाई कम होती है. And public disturbances, especially due to communal riots. गुजरात में riots हुए थे. A whole class of workers was thrown back into the middle class, into poverty due to informalization. Please underline recession. यहाँ पर economic recession लिखा हुआ है, उसे underline कीजिए. Economic recession. और यहां पे एक्सप्लेनेशन दीजिए इकोनॉमिक रिसेशन की. इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट when the income and employment are decreasing, income and employment are decreasing. Full stop. मैं एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ. दिस इज द नॉर्मल साइकिल. ये प्राइस होना चाहिए कॉमोडिटी का. जब ये चीज होती है, ये जब चीजें सस्ती होती हैं, इसे रिसेशन कहा जाता है. दिस इज रिसेशन. ड्यू टू COVID-19 बहुत सारी जॉब्स लोगों की चली गई हैं. Zomato, Uber. अब होगा क्या, ध्यान देना जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. वैसे ये मैक्रो का कॉन्सेप्ट है. Because I have 3 minutes in this lecture, so I'm explaining it. देखिए, Zomato वालों की जॉब बहुत चलेगी, Uber की चलेगी, Ola Cabs की चलेगी. वो लोग पैसे कमा के खर्च करते थे, अब वो खर्च नहीं कर पा रहे. वो खर्च नहीं कर रहे तो जहाँ से वो किराना खरीदते थे, खर्च करते थे, वो भी पैसे कम कमाएंगे. वो पैसे कम कमाएंगे तो जो उनके छोटे लोग, छोटू उन्होंने रखे हैं, उनको वो जॉब से निकाल देंगे. अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में आ जाएगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा, विशियस सर्कल, जिसका रिजल्ट कुछ आने वाले सालों में नजर आएगा. 1921 में डिप्रेशन आया था अमेरिका में, 10 साल चला था. 2000 के आसपास यूरोप के अंदर डिप्रेशन आया था, नॉट डिप्रेशन, रिसेशन था. और इस टाइम रिसेशन चल रहा है वर्ल्ड वाइड एंड मोर ओवर इट कैन कन्वर्ट इन टू डिप्रेशन. चलिए हम रिसेशन पे आते हैं. दिस इज रिसेशन. दिस So till now we have done what is employment. There are two types of workers, self-employed workers and hired workers. In hired workers we have two, casual wage workers and regular salaried workers. Then we have done
employment according to region, according to gender. Then five parameters we have discussed, the rate of participation, female ka kam hai, employment in primary, secondary, tertiary sector, secondary, tertiary pe increase kar raha hai, casualization of workforce, workforce casual ho rahi hai zyada kaam karne ke liye, jobless growth, India economy is cheez ke phenomena se experience le rahi hai, and informalization of Indian workforce, informal sector mein zyada workforce ab aa rahi hai, ye trend nazar aa raha hai. ये बेसिक कंटेंट हमने कर लिया, बट इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट बिल्डअप होके आएगा. वी आर डन विद लेक्चर नंबर 1. विल कंटिन्यू द क्वेश्चंस इन लेक्चर 2 and 3, विच विल एक्सप्लेन द ऑलरेडी डन कंसेप्ट. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.